हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। रेलवे ग्रुप डी 2018 के जो भी अभ्यर्थी थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उन सभी के लिए है। वैसे तो न्यूज़ आरआरबी अहमदाबाद से आई है, लेकिन ये ऑफिशियल जो खबर आई है, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी सभी लोगों के लिए है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑफिशियल पैनल यहाँ से जारी हुई है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की जाँच हो जाने के बाद उन सभी कैंडिडेट्स की हुई है जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे ऑफिशियल पैनल जो शब्द है, इससे आप भले कंफ्यूज हो सकते हो, आपने पहली बार शायद ये सुना हो, लेकिन इसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों बताया गया है। और इसमें ये भी है कि ये यहाँ पे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक और बात है कि कुल 6000 वैकेंसी थी, कुल 4000 बच्चों का ही इसमें लिस्ट में नाम आया। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे और क्या होगा, बाकी किस किस को नौकरी मिली है, ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जानने के लिए कि हम इसे हमें देखना है कैसे, अगर आप भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से देखना है तो आपको कैसे देखना है, ये वाला आपको जो नोटिस, आप ये वाला कैसे डाउनलोड करेंगे, ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं। तो यहां पर जब मैं क्रोम ब्राउजर पर आ जाता हूं, तो यहां पर देखेंगे मेरा तो ये लिंक खुला हुआ है, लेकिन आप यहां पर सर्च करेंगे WR यानी कि वेस्टर्न रीजन, और यहाँ पर आप इसे सर्च कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो गूगल आपके सामने सर्च बार में लाएगा यहाँ पर rrcwr.com। तो यही आपका ऑफिशियल साइट है, क्योंकि आरआरबी से आरआरसी कन्वर्ट कर दिया गया था, ये तो आपको पता होगा ही। और उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो, यहाँ पर दो पैनल लिस्ट निकली हुई हैं। सबसे पहली पैनल लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी, इसमें दो ही लाइंस आपको दिख रही हैं। तो ये वाला आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये भी 2018 का है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कोटा वाला है। नीचे इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2018 फॉर लेवल 1 पोस्ट। और यहाँ पर अगर आप ये वाला है जो सबसे आखिरी में आपको दिख रहा है, ये वाला, यही है आपका, आपके काम का चीज़। तो इसी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल के आएगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करने की बातें आएंगी। तो ये देखिए खुल गया है और डाउनलोड होने की परमिशन मांग रहा है, तो हम इसे परमिशन दे देते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। और ये डाउनलोड होने के बाद अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ और अब हमारे सामने पीडीएफ खुल करके आ जाएगा। तो ये देखिए, पीडीएफ अब खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे सामने है, पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ये आपका पश्चिमी रेलवे से है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और यहाँ पे आरआरसी, जहाँ से हमने इस वेबसाइट को जो हमारा वेबसाइट था। और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर बताया गया है, ये चीज़ देखना है आपको कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7/9/2018 से 7/12/2018, इस ड्यूरेशन में आपका CBT टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर टेस्ट हुआ था बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 25/3/2019 से 1/4/2019, यानी कि 25/3 से 1/4 तक आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुए थे, रनिंग और जो आपको बोझा उठाना था। उसके बाद एट वडोदरा फॉर नन PWD कैंडिडेट्स, ये नन PWD कैंडिडेट्स का बताया जा रहा है, बाय वेस्टर्न रेलवे फॉर द लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2018। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जीनियसनेस ऑफ कैंडिडेचर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फ्रॉम 12/4/2019 से 3/5/2019, यानी कि उसके बाद आपको जो कैंडिडेट्स इन दोनों में क्वालिफाई किए थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कैंडिडेचर को जानने के लिए, इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 12/4/2019 से 3/5/2019 के बीच में, यहाँ पर इन्हें बुलाया गया था। उसके बाद जो एबसेंट हो गए थे, तो एबसेंटीज वेयर कॉल्ड फ्रॉम 6/5/2018 से 6/5/2019 से 8/5/2019 तक उन्हें बुलाया गया था। और ये कंप्लीट होने के बाद, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जीनियसनेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन कंप्लायंस ऑफ ऑल अदर प्रोसीजर लेड डाउन बाय रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे हियर बाय डिक्लेयर्स द प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 ऑफ नन PWD कैंडिडेट्स।
यानी कि इन सभी को जांच करने के बाद, सब कुछ सही पाया जाने के बाद, यहाँ पे नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आपको पता ही होगा कि पीडब्ल्यूडी और नन पीडब्ल्यूडी दोनों पे अलग अलग वैकेंसी आई थी, तो ये नन पीडब्ल्यूडी की यानी कि पार्ट 2 जो आएगी वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की आएगी, ठीक है। तो ये पार्ट 1 ऑफ नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पे कि द डिटेल ऑफ प्रोविजनली एक्सप्लेन कैंडिडेचर एज अंडर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि UR के लिए 2060, OBC के लिए 908 और SC के लिए 580, इस तरह करते हुए ST एक्स सर्विसमैन और CCA को देखते हुए कुल 4050 यानी कि 4050 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि वैकेंसी तो अप्रोक्स 6000 के आसपास आई थी, फिर 4000 बच्चों का ही क्यों हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि पार्ट 1 जो यहाँ पे आया है ये तो नॉन PWD का है, तो अगला जो पार्ट 2 आपका आएगा उसमें PWBD, और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे बच गए यानी कि 2000 सीट के अप्रोक्स यहाँ पे सीट बची हुई है, तो उनका यहाँ पे लिस्ट सेकेंड पार्ट में आएगा। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक ही बार में दोनों का क्यों नहीं निकाला गया है, ये भी समझने वाली बात है यहाँ पे। तो देखो सभी बच्चों में से यहाँ पे आपको एक बार जो मेडिकल कंप्लायंसेज हुए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड हुए हैं, तो जो बच्चे एक बार में क्वालिफाई कर गए हैं ये उनका लिस्ट है। अब जो बच्चे यहाँ पे किसी चीज़ के लिए फंस गए, उनका री मेडिकल होना है, तो उनका लिस्ट कुछ दिनों के बाद इशू किया जाएगा, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आप इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखें आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है, मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के समझा देता हूँ। द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिविजन यूनिट सेल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स एंड सेल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस ऑप्शन ETC ऑफ अपॉइंटमेंट सेल बी डिस्पैच्ड बाय रेस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट, यानी कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिवीजन के थ्रू होगा, वहाँ पे देखा जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं और आप किस हिसाब से मेडिकल फिट हैं और आपने प्रिफरेंस क्या डाला हुआ है किस चीज़ के लिए, इसको देखते हुए ही आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फिर है मेरिट एंड रैंक सेल बी डिक्लेयर्ड एज अ लेटर स्टेज, यानी कि ये तो 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं कि मेरिट और रैंक जो है वो बाद में आपको डिस्कस बताया जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बताई जा रही है। फिर यहाँ पर है कि रिजल्ट ऑफ PWBD एंड सम ऑफ द नॉन PWD कैंडिडेट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड सेल बी डिक्लेयर्ड एट अ लेटर स्टेज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल लेड डाउन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बाद में जो PWBD है और नॉन PWD जो कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी इसमें नाम नहीं है, उनको बाद में एक और पार्ट इशू किया जाएगा, उसमें उनका नाम यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग रिजल्ट RRC वेस्टर्न रेलवे, यानी कि यहाँ पर यही कहेगा ये कि बहुत सारी सावधानी बरती गई लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे वो सुधार सकती है। अगर मान लो कि कोई सेम नाम का बच्चा है, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक हो के कारण कोई दूसरा उसके जगह पे समझ ले रहा है, या फिर नाम वही है, रोल नंबर वही है, नाम बदल गया है, तो फिर कुछ मिस्टेक अगर ऐसा हो जाता है, या फिर सिर्फ रोल नंबर है यहाँ पे तो 4 के जगह 5 हो जाता है तो कोई दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसे वो चेंज कर सकती है। और लेकिन ये ज़्यादातर नहीं ही होता है क्योंकि बहुत ही सावधानी बरती जाती है इसमें। फिर यहाँ पे है कि द डिसीजन ऑफ RRCWR इज इन द मैटर सेल बी फाइनल, यानी कि जो भी डिसीजन RRC वेस्टर्न रीजन लेगी वही फाइनल होगा। और फिर यहाँ पे दिस इज ओनली प्रोविजनल पैनल, यानी कि ये प्रोविजनल पैनल है, ये फाइनल लिस्ट इसे ना माने, यानी कि यहाँ पे कहना है कि इसके बाद भी कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि उनका चयन ना हो अगर उन्होंने कोई अवैध तरीके से इसमें ज्वाइन किया, यानी कि उन्होंने गलत पेपर शो कर दिया और उस समय उनका पेपर एक्सेप्ट हो गया लेकिन बाद में चेक करने के बाद पता चला कि वो पेपर गलत है, तो इन सब चीज़ों की वजह से किसी का रिजेक्शन हो सकता है। फिर यहाँ पे RRC विल नॉट एंटरटेन एनी इंडिविजुअल क्वेरी इन दिस रिगार्ड, यानी कि RRC किसी भी इंडिविजुअल की क्वेरी इस रिगार्ड में नहीं सुनेगी, और ये 8/5/2019 यानी कि 8 तारीख को ही ये इशू कर दिया गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 तारीख को ही यहाँ पे आखिरी हुआ है, 8/5 को ही जो एबसेंट कैंडिडेट्स थे उनका कैंडिडेचर चेक किया गया था और 8 तारीख को ही ये नोटिस इशू कर दिया गया। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोविजनल पैनल पार्ट 1, यहाँ पे सभी बच्चों का यहाँ पे आप सीरियल वाइज आप देख पाएंगे कि सबका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिनका भी नाम यहाँ पर आ गया है उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि 99.9% आपका चांस है कि यहाँ पे अब हो ही जाएगा अगर आपने कोई अवैध तरीका नहीं अपनाया है तो, और अगर आपने कोई गलती की है तो अभी भी आपके ऊपर तलवार लटकते रहेगी,
ये बात आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे टोटल अगर हम नीचे तक जाएंगे तो टोटल 45 पेज है और इसमें कुल 40-50 यानी कि 4050 बच्चे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कुल 40-50 सीरियल नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जिनका नाम आ गया उनके लिए तो बहुत खुशखबरी, लेकिन जिनका नाम यहाँ पर नहीं आया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन उनका नाम नहीं आया है, तो उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी एक और पार्ट जारी होगा और पीडब्ल्यूडी वाले भी वो भी वेट करें, उनका भी जल्दी ही जारी होगा, 2-4-5 दिनों के भीतर ही जारी हो जाएगा। जो 2-4-5 दिन में ऐसी मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिनका प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होगा अगले दिन ही आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, आपको मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपडेट देने की। और दोस्तों यहाँ पर जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका जिनका नाम यहाँ पर आ गया है, वो ढूंढ के एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि उनका मार्क्स कितना था, ताकि कट ऑफ और बाकी चीज़ें लोग समझ सकें कि क्या कितना गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और जेई के भी एग्जाम होने वाले हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।